आगे बढ़ेंगे। जयपुर से खबर आ रही है जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज भव्य स्वागत किया जाएगा। जापान और कोरिया की यात्रा से जयपुर लौटने के बाद किया जाएगा अभिनंदन। जयपुर में बीजेपी कार्यालय में अभिनंदन की तैयारियां हो रही हैं और लगभग पूरी हो चुकी हैं, क्योंकि आज फिर से क्योंकि अपने वतन लौट आए हैं। और हमने आपको बताया कि किस तरीके से छह दिन का यह दौरा दक्षिण कोरिया और जापान का, क्योंकि राजस्थान में अपार संभावनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जब दक्षिण कोरिया और जापान पहुंचे थे, उसके बाद 6 दिवसीय यात्रा करके अब वो वतन लौट आए हैं, भारत लौट आए हैं और दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे। उसके बाद अब जयपुर में उनका स्वागत सत्कार किया जाएगा। आपको बता दें कि 6 दिन का ये टूर था और लंबी यात्रा के बाद अब अच्छा परिणाम भी देखने को मिलेगा। राजस्थान में निवेश कर सकती है अब कुछ कंपनियां। तो जापान से पहले राजस्थान के सीएम एक उच्च स्तरीय मंत्रिमंडल के साथ दक्षिण कोरिया के 2 दिवसीय यात्रा पर थे। कई दक्षिण कोरियाई कंपनियों ने राजस्थान में अवसर तलाशने और राज्य में अपना कारोबार बढ़ाने की रुचि दिखाई। इसमें सैमसंग हेल्थकेयर, एलेक्स इंटरनेशनल, ओरियन कॉरपोरेशन और होसंग कॉरपोरेशन के साथ साथ कोरियाई स्टोन एसोसिएशन सहित कई प्रमुख दक्षिण कोरियाई कंपनियां शामिल है। तो अच्छी बात है राजस्थान के लिए भी। और आपको बताएं कि राइजिंग राजस्थान 2024 जो होने वाला है उसको लेकर राजस्थान में कई अपार संभावनाएं, इसलिए दौरा भी खास महत्वपूर्ण था। हमारे साथ विष्णु शर्मा जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए, सीधा रुख करेंगे। विष्णु, 6 दिन का दौरा, काफी अच्छा ये दौरा रहा था और इस टूर के बाद में वतन वापस लौट आए मुख्यमंत्री, दिल्ली पहुंचे, उसके बाद में अब जयपुर जब पहुंचेंगे भव्य स्वागत किया जाएगा। क्या खास तैयारियां की जा रही है? बिल्कुल, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज 6 दिन के दौरे के बाद दिल्ली पहुंचे और दिल्ली से अब कुछ देर बाद जयपुर रवाना होंगे। जयपुर पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया जाएगा, एयरपोर्ट पर स्वागत होगा। और उसके बाद एयरपोर्ट पर अगर बात की जाए तो वहां पर बगरू विधानसभा क्षेत्र और सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता वो मौजूद रहेंगे, वो मुख्यमंत्री का स्वागत करेंगे। और उसके बाद यहाँ बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पार्टी की ओर से स्वागत किया जाएगा। कार्यालय के बाहर विभिन्न जो बोर्ड हैं, किसान आयोग या बोर्ड हैं, उनके जो कार्यकर्ता वो स्वागत करेंगे। और पार्टी कार्यालय में भी यहाँ पर व्यापक तैयारियाँ की गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बैठने की व्यवस्था की गई है, जो यहाँ कार्यकर्ता पहुँचेंगे, दूर दराज के इलाकों से कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचेंगे मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए, उनके लिए अलग से पंडाल बनाया गया है ये पूरा। और इसके अलावा ये 2 पंडाल हैं जो दोनों लॉन है बीजेपी के उससे। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ जो लोग हैं वो बैठेंगे, धीरे धीरे लोगों के आने का सिलसिला भी यहाँ पर शुरू हो चुका है। जो कार्यकर्ता है दूर दराज के इलाकों से वो पहुँच गए, आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए। यहाँ 2 बैठकें भी यहाँ पर आयोजित की गई है। एससी मोर्चा की बैठक यहाँ शुरू होने वाली है, बीजेपी प्रदेश प्रभारी लेंगे, वो लगातार संपर्क में है और इसके बाद एसटी मोर्चा की बैठक होगी। तैयारियां यहां पर पूरी तरह से की गई है, यहां पूरी तरह से कार्यालय को सजाया गया है। ये मंच है जहां पर यहां जो है कार्यक्रम होगा, सम्मान होगा। मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री रहेंगे और साथ में बीजेपी प्रदेश प्रभारी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, ये 4 कुर्सियां यहाँ पर लगाएंगे, चारों लोग यहाँ पर रहेंगे। इसके अलावा एक ये जो मंत्री और सांसद उनके बैठने के लिए ये स्थान बनाया गया है, क्योंकि यहाँ कार्यालय में जो इस कार्यक्रम के दौरान जो भी मंत्री और जो सांसद यहाँ पर आएंगे वो यहाँ इस पर बैठेंगे। ऐसे ही विधायकों के लिए दाएं तरफ बनाया गया है जहाँ पर विधायक पहुँचेंगे और वो इस यहाँ पर इस जो सम्मान समारोह अभिनंदन होगा उस कार्यक्रम में बैठेंगे। मुख्यमंत्री चूंकि 6 दिन की यात्रा पर पहुंचे हैं, राजस्थान के विकास की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है 6 दिन के दौरान, जो निवेश करके लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं वो उसी को लेकर ये बीजेपी पूरे प्रदेश की ओर से सम्मान किया जाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ वहाँ उन्होंने तैयारियां ली, उन्होंने तैयारियों का जायजा लेने के बाद कहा यहाँ पर कि मुख्यमंत्री चूंकि एक मील का पत्थर साबित हो रही है ये जो निवेश है राजस्थान में, कुछ कार्यकर्ता मेरे साथ है उनसे भी बात कर लेते हैं कि मुख्यमंत्री आ रहे हैं, किस तरह की तैयारियां हैं, क्या आप लोग सोचते हैं कि मुख्यमंत्री विदेश जा रहे हैं? देखो, राइजिंग राजस्थान और इस विदेश यात्रा से युवाओं में विशेषकर उत्साह है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार युवाओं को लेकर गंभीर हैं, पहले उन्होंने देखो आप जिन्होंने पेपर लीक किया उनको जेल के सलाखों के अंदर डाला और अब रोजगार उत्पन्न करने के लिए उन्होंने विदेश यात्रा में विशेष फोकस किया है।
तो रिसर्जित राजस्थान से विकसित राजस्थान के निर्माण में महत्वपूर्ण एक मील का पत्थर साबित होगा और विकसित राजस्थान की विकसित भारत में महत्वपूर्ण भूमिका होगी। यशस्वी मुख्यमंत्री जी लगातार जिस दिन से उन्होंने शपथ ली है लगातार दिन रात काम कर रहे हैं और आप इसका विश्वास भी देख रहे होंगे। विष्णु, विदेशी धरती पर जाकर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने वहां पर उद्योग स्थापित करने के लिए बेहतर संसाधन, बेहतर विकल्प और केंद्र राज्य सरकारों का पूर्ण सहयोग प्रदान करने का आश्वासन देते हुए वहां के अधिकारियों से जो भी मीटिंग रही, जो भी राउंड टेबल रही, वहां पर लोगों से बातचीत की, मुलाकात की, वन टू वन, दक्षिण कोरिया और जापान का ये दौरा बेहद अहम है राजस्थान के लिए। आने वाले समय में बहुत कुछ होने वाला है। बातचीत करने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु आप।